भारी विरोध के बीच पठान मूवी आखिरकार आज रिलीज हो गई। सुबह के शो में तमाम सिनेमाघरों में दर्शकों की भीड़ लगी हुई है। मूवी खत्म होने के बाद तमाम दर्शक बाहर निकले हैं क्योंकि लगातार इस मूवी को लेकर हिंदूवादी संगठनों का विरोध देखा जा रहा था और इसी को लेकर हम दर्शकों से जानेंगे कि आखिर इस मूवी में ऐसा क्या था कि इस जो विरोध कर रहे थे तमाम दर्शक हमारे साथ। आप बताइए, मूवी आपने देखी है पठान, मूवी की स्टोरी क्या है, क्यों विरोध हो रहा था, क्या लगा आपको? देश के ऊपर बनी है, ऐसा कुछ नहीं है, वायरस था उसके चक्कर में बनी है जी, मूवी अच्छी है। विरोध विरोध जो कर रहे हैं लोग उसमें ऐसा कुछ विरोध लायक ऐसा कुछ नहीं है। स्टोरी में क्या है, क्या दिखाया गया है स्टोरी में? एक वायरस है, वायरस के बारे में दिखाया, देश के ऊपर है, बस ये। आप बताइए, लगातार देखा जा रहा है आगरा में तमाम हिंदूवादी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, मूवी आपने देखी है, क्या मूवी में नजर आया? मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो विरोध करने लायक हो जी, विरोध करने लायक कुछ भी नहीं, मूवी बेफालतू की चीजें सब जी, विरोध करने लायक कुछ भी नहीं मूवी के अंदर। क्या दिखाया है मूवी में, क्या दिखाया है? देश के बारे में दिखाया गया है, शाहरुख खान जो है मतलब अपनी मतलब दिखाता है शाहरुख खान अपना देश। आप बताइए मूवी में क्या स्टोरी, मूवी जो दिखाई है उसकी स्टोरी में है क्या? पठान मूवी में मूवी की स्टोरी जो हमने सुनी थी किस तरीके से लोग बायकॉट मूवी को कर रहे थे और बहुत बहिष्कार कर रहे थे मूवी का, मूवी ऐसे मैं तो ये बोलना चाहता हूँ सारी जनता को आवाम को कि मूवी सबको एक बार देखनी चाहिए, मूवी बहुत बढ़िया मूवी है, मूवी से हमें सीख मिली है कि एक देश के लिए एक सोल्जर क्या कर सकता है, इस देश के लिए बहुत अच्छी मूवी है। ये हमारे साथ तमाम दर्शक मौजूद थे। एक वायरस को लेकर पूरी मूवी में दिखाया गया है, कहीं ना कहीं देश को लेकर ये मूवी बनाई गई है। लगातार जो विरोध हो रहा है, दर्शकों का कहना है कि विरोध नहीं करना चाहिए और मूवी में जो सीन थे जिनके ऊपर विरोध हो रहा था उनको भी बदल दिया है, तो कहीं ना कहीं विरोध बिल्कुल दर्शकों के मुताबिक